तो दोस्तों यहाँ पे बाइक पार्किंग लगा सकते हैं और यहाँ पे कार पार्किंग है और यहाँ से एंट्री है जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है लाइफ ऑफ लविशा। तो आज हम आए हुए गोवर्धन इको विलेज जिसे कहा जाता है इस्कॉन टेंपल, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ इसका जो है थाने से है 60 किलोमीटर और मुंबई से 80 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ये है। अगर यहाँ पे आपको आना है तो पालघर से शेयरिंग ऑटो भी मिलती है ऐसे कहा जाता है, 25 रुपये कुछ लेते हैं, तो वो इंक्वायरी आप कर सकते हैं वहाँ से पालघर स्टेशन से। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको आप लोग यहाँ पर कार या बाइक से आए। इसका जो लोकेशन है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नीचे, तो वहाँ से आप जाके लोकेशन से फॉलो करके आप यहाँ पर प्लान बना के आ सकते हो। मोस्टली संडेज को ही आइएगा। Thank you.
खाओ खाओ। हाँ जी इको विलेज में एक घंटे का टूर भी देते जहाँ पे कृष्णा के बारे में इंफॉर्मेशन देते, जो उनकी रासलीला है, उनका बर्थ प्लेस वगैरह वगैरह सब यहाँ पे रहता है। तो आपको एक घंटे का टूर रहता है, ये पूरे विलेज जैसे आप देख रहे हो ये पूरा एरिया उसी में बना हुआ है। तो उसके लिए हमको एक ऐप से मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह करना रहता है, वो आपको यहाँ पर भी बता देंगे वो लोग। और बाकी आगे देखते हैं और क्या क्या है देखने लायक। यमुना देवी रिवर, यमुना रिवर अंदर मत जाइए, फर्स्ट टाइम जो लोग गोवर्धन को मिलने आ रहे हैं हाथ उठाइए। अच्छा, ऑलमोस्ट सब लोग फर्स्ट टाइम उठे, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। तो देखिए, ये जो हम अभी टूर पे जाने वाले हैं गोवर्धन वृंदावन फॉरेस्ट में जाने वाले हैं, इसको वृंदावन फॉरेस्ट वाला जाए घर भूल के बाहर आ जाता है, भूला भटका फिर घर जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण और राधा रानी हमेशा लीला कर रहे हैं, नित्य शाश्वत लीला कर रहे हैं। श्री श्री राधा दामोदर जी टेम्पल, छोटा सा बालक के बाद में आके मेरा पूजा बंद कर दिया। और क्या करता है, संवर तक मेघ को बुला दोस्तों यहाँ पे खाने का भी अरेंजमेंट होता है, एक्चुअली यहाँ पे भंडारा होता है लेकिन अभी फिलहाल तो बंद है, तो आप यहाँ पे खरीद कर भी खा सकते हो, बुफे टाइप है। यहाँ पे बैठने का भी अरेंजमेंट दिया हुआ है, बैठकर आराम से खाना खा सकते हो। यहाँ पे अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, उसका टाइमिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आके अगर आपको पर्सनली बाय करके खाना है फूड तो आप खा सकते हो। यहाँ पे आपको प्रसाद मिलेगा, भंडारा खाना खाने के लिए, जो कि फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको आके चप्पल उतार के आगे जाना है, यहाँ पे लाइन बनाना होता है, जो कि विदाउट कूपन है। कूपन सिस्टम भी आगे है, अगर आपको पे करके खाना है तो वो भी है, और ये तो विदाउट कूपन है। यहाँ पे लाइन लेके सिर्फ लाइन बनाना है और फिर बैठकर खाना है। देखिए
ये जगह है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो पूरा बैठ के लाइन से। आगे दिखाऊंगा पंगती में। थैंक यू। तो ये सब यहाँ मिलता है प्रसाद में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये भंडारा का खाना है जो यहाँ पे खाने मिलता है, देख सकते हो। जैसे कि पूरा अच्छे से सिस्टम बनाया हुआ है बैठकर खाने के लिए। यहाँ पे आप कहीं पे भी बैठ सकते हो और खा सकते हो। ये आ गए लास्ट लाइन में। ये मिलता है भंडारे का खाना। अलग अलग डिशेस है, पूरा सिस्टमेटिक है, क्लीन है। महाप्रसाद जिसे आपको खा के होता है यहाँ पे आगे लाइन बना के वहाँ पे खाना डिस्पोजल में बैग हाथ धो के बाहर जाना। तो मिनी वृंदावन टूर होकर कंप्लीट हो गया। टीम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले यहाँ पर आके। एक सेकेंड मैडम, आप यहाँ पे आके कैसा फील कर रहे हो? यहाँ पे आने के बाद जो मन में लाइक नेगेटिविटी हो या फिर ऐसा कुछ भी ओवर थिंकिंग है ना, जो है ना, वो सब पूरी तरीके से निकल जाता है। तो हाँ बोलिए। इवन यहाँ पे आने के बाद लाइक रिटर्न घर जाओगे ना, आपको थोड़े दिन कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों तक आपके मन में लाइक यहाँ पे जो आप फील करते हो ना वो वैसा ही रहते हैं। अच्छा, आप पहली बार आए हो? नहीं, यहाँ पे मैं और दो, ये फोर्थ टाइम है मेरा। वाओ, तो जान आप लोग समझ सकते हो कि ये इतना पीसफुल प्लेस है। यहाँ पे एक बार नहीं लोग और यूथ लोग ज़्यादा बार आना चाहते हैं, तो आप लोग भी आइएगा, ज़रूर आइएगा। सर, आप भी पहली बार आए हो? नहीं, मैं इसके पहले 3 बार आ चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के लिए, तो और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी यहाँ पे आने के लिए ट्राई करूँ। ओके, थैंक यू सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, यही था हमारा गोवर्धन एको विलेज का ब्लॉग। और ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।